हम चाही पे नंगे नग्न होते हैं, कहीं जंगल में अकेले रहते हैं वहां नग्न रह सकते हैं, जहां माताएं बहने ना जाती हूं वहां नग्न रह सकते हैं। इसकी भी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि हम हर जगह नग्न रहे। इसलिए आप एक नागा होते हुए यहाँ पे वस्त्रों के साथ बैठे हैं। हाँ जी ऐसा ही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हिमांशु भट्ट। आज मैं हरिद्वार में पतित पावनी माँ गंगा के पावन तट पर हूँ और हमें यहाँ पर नागा बाबा मिले हैं। हम नागा बाबा से जानेंगे नागाओं के इतिहास के बारे में, उनकी परंपराओं के बारे में और कैसे नागा बनते हैं। महाराज जी आपको प्रणाम। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री खेमगिरी नागा बाबा है। मैं पंचदश नाम गुना अखाड़े से घोषित हूँ। हमारे गुरु महाराज श्री निर्भय गिरी महाराज जालौन में रहते हैं। यहाँ माँ गंगा पतित पावन हरिद्वार स्थान पे महाकुंभ के नाते यहाँ हम आए हुए हैं और जहाँ तक हो सकेगा कुंभ निभा के तब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। महाराज जी वैसे आपका जन्म कहाँ हुआ था? हमारा जन्म उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर में हुआ। और कितने वर्ष की आयु में आपने संन्यास धारण कर लिया था, नागा बन गए थे? 11 वर्ष 3 महीने का था जब मैं साधु बना, संस्कार लिया, नागा सन्यासी बना। तब से इसी में निभा रहा हूँ। महाराज जी ऐसा क्या वजह थी कि जिसने आपको संन्यास लेने की ओर अग्रसर किया? हर चीज का एक मोड़ होता है, हर चीज की एक कहानी बनती है। साधु कोई अपने मर्जी से नहीं बनता, कोई ना कोई कारण बन जाता। और कुछ इस जन्म की पुण्य प्रताप रहता है, कमाई रहती है, कुछ उस जन्म का सौभाग्य रहता है, तब वो इस जन्म में साधु में अग्रसर होता है। ऑटोमेटिक अपने आप रास्ता बनकर चली जाती है, साधु बन जाता है। तो महाराज जी नागा कैसे बने जाते हैं और क्या प्रक्रिया होती है नागा बनने की? नागा बनने की प्रक्रिया हमारे नागा संस्था में कुंभ में ही नागा संस्कार करवाया जाता है और उज्जैन, इलाहाबाद, नासिक और हरिद्वार, इन कुंभों में हमारे यहाँ नागा संप्रदाय का संस्कार करवाया जाता है। और संस्कार हमारे नागा संप्रदाय का संस्कार बहुत कठिन है, ऐसा संस्कार किसी में नहीं होता। क्यों? इसमें प्रक्रियाएं जो कर्म हैं उसको पूरा करने में बहुत समय और बड़ा कष्टदायी प्रतीक हो जाता है। जो नागा सन्यासी साधु है वो कर्मकांड से घबराता नहीं, वो अपनी तपस्या में हमेशा अग्रसर होता है। हमारे यहाँ 16 पिंडदान कराया जाता है, रात भर स्नान करके बिठाया जाता, अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ता है। महाराज जी को थोड़ा बहुत आप हमें बताइए कि 16 पिंडदान क्या होता है और कौन कौन से ऐसे संस्कार है जिनका पालन करना पड़ता है नागा बनने के लिए? सर्वप्रथम 17 पिंडदान में पूरे परिवार, नाथ पांच, रिश्तेदार, भाई बहन सबका पिंडदान करने के बाद स्वयं का पिंडदान करना पड़ता है। अच्छा, मतलब अंत पूरे परिवार का, नाते रिश्तेदारों के पिंडदान के बाद अंत में खुद का अपना पिंडदान करते हैं। अपना पिंडदान किया जाता है जी। और घर का नाम, जैसे घर में आपका कुछ नाम है तो यहाँ आपका नाम उतरा दे दिया जाता है, वो नाम भी मार दिया जाता है। इस प्रकार से इस शरीर को एक मृतक के रूप में, मुर्दे के रूप में देखा जाता है संस्कार के बाद, और सदैव इसी में विलीन रहने का आदेश दिया जाता है और वो कभी भी जीवन में अपने घर नहीं जा सकता, जन्म स्थल पे कभी वो नहीं पैर रख सकता, साधु समाज में ही उसको जीवन व्यतीत कर। रह गई बात समाज संस्था सबको देखते हुए ही आपको चलना है। साधु का काम है सीखना, जिंदगी भर सीखता रहे। साधु का काम है सावधान, सावधान हटी की दुर्घटना घटी। साधु का मतलब है साधक, साधना करे, वही साधु है। इन्हीं सब नियमों का पालन करना पड़ता है। जिसने खुद को साध लिया वही साधु है।
तो साथ लिया वही संत। महाराज जी कितने साल लगते हैं नागा बनने में, क्योंकि सबसे कठिन प्रक्रिया होती है नागा बनने की, तो कितना साल लगता है एक व्यक्ति को नागा साधु बनने में? 12 साल हमको महापुरुष रखा जाता है। 12 साल महापुरुष, 12 साल हमको महापुरुष रखा जाता है और सेवा करने का आदेश दिया जाता है। अगर हम अपनी सेवा में सक्षम रहे या पूर्ण कर ले गए तो 12 साल बाद हमको कुंभ में हमारा नागा संस्कार करवा दिया जाता है। तो महाराज जी ऐसा है क्या कि नागा बनने के बाद जो सबसे पहली भिक्षा है वो अपने घर से मांग कर लानी पड़ती है? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है हमारे संप्रदाय में, ऐसा कुछ नहीं जी। हमारे संप्रदाय में इतने है कि अगर बहुत ज्यादा करते हैं तो दरवाजे की मिट्टी मंगा लेते। अच्छा, अब जैसे हम बाल्यावस्था के साधु हैं, माँ बाप है नहीं जी, और माँ बाप से ही भिक्षारोपण करना है, तो माँ बाप जो है नहीं किससे भिक्षारोपण करेंगे? अर्थात जो गुरुदेव गुरु मूर्ति होते हैं वो आदेश देते हैं कि थोड़ी मिट्टी उठा के लेके चले। ये तो है, ऐसा नियम है। तो महाराज जी नागा जो होते हैं ये वस्त्रों का त्याग क्यों करते हैं? हाँ, वस्त्र का त्याग जी। देखिए, मुर्दे के पास कभी वस्त्र नहीं होते जी। अभी आप थोड़ी देर पहले हमसे क्वेश्चन किए थे, आपको बताया था हमने कि शरीर को मुर्दा बना मुर्दा कर दिया जाता है जी। मुर्दा का रूप दे दिया जाता है। हाँ जी। और मुर्दे का कोई रूप नहीं जी। अवधूत, अवघड़, निहंग, ये सब भोलेनाथ का नाम है। तो नागा तो नाम ही नंगा है, अब नंगे ही करती है कहीं। इंद्री तोड़ दी जाती है, स्त्री काबिल होती नहीं। मतलब कुछ नहीं जी। वो भी नंगे रहने का प्रावधान, ऐसा नहीं है कि हम बाजार में नंगे घूमे जी। हम शाही पे नंगे नग्न होते हैं, कहीं जंगल में अकेले रहते हैं वहां नग्न रह सकते हैं, जहां माताएं बहने ना जाती हूं वहां नग्न रह सकते हैं, इसकी भी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि हम हर जगह नंगे रहे, इसलिए आप एक नागा होते हुए यहाँ पे वस्त्रों के साथ बैठे हैं। हाँ जी, ऐसा ही। तो महाराज जी नागा वस्त्रों का त्याग करते हैं लेकिन शरीर पर भभूत लगाते हैं। हाँ। तो भभूत के पीछे का रीजन क्या है लगाने का? भभूत के पीछे का रीजन ये है कि मनुष्य मर जाता है जी। कहते हैं राम नाम सत्य है जी, ले जाते हैं शमशान, उसको जला देते जी। तो कहते हैं अघोर, अघोर किसकी पदवी है? श्री शंकर जी को वही पदवी दी गई जी। किसका कोई नहीं जिसको सब छोड़ देता है जी। अब भस्म जल मरने के बाद वो जला दिया गया, भस्म हो गया, उसका कौन है? कोई नहीं है, सबने छोड़ दिया साथ। तो जिसको कोई नहीं अपनाता उसको भोलेनाथ अपना लेते, तो उनका प्रसाद समझ के भस्म लेकर। हाँ जी। अच्छा, कई जगह कहा जाता है कि जो भस्म होती है ये नागा बाबा जो होते हैं वो चिता की भस्म लगाते हैं, क्या ऐसा कुछ है? चिता की ऐसा कुछ नहीं जी। हम भस्मी चंदन की बनाते हैं, हम भस्मी मलया की बनाते हैं, हम किसी रत्ना का बनाते हैं जी। एक से एक भस्मी है हमारे पास, जो भस्मी हम लेपन करते हैं शरीर में। मुर्दे की भस्मी लगाता है उघड़, वो नाथों में बनाया जाता है जी। जो कान फटे होते हैं ना जी जी जी, मोटे कुंडल पहनते हैं, हाँ जी, उनमें बनाया जाता है। वो मुर्दे की भस्मी यूज करते हैं या मांस यूज करते हैं? हम लोग मांस वगैरह कुछ नहीं यूज करते, हमारा कोई अधिकार नहीं। सिर्फ हमारा भजन करने का अधिकार है, तपस्या करने का अधिकार। जब महाराज जी ये नागाओं को धर्म का रक्षक क्यों कहा जाता है? धर्म रक्षक क्यों कहा जाता है? जब मुगल साम्राज्य जब हिंदुओं को मारा काटा, मुसलमान बनाया, उसके बाद बौद्ध धर्म आया जी। बौद्ध धर्म वालों ने बहुत अत्याचार कर दिया, यहाँ तक कि जितनी मूर्ति हमारी शिवलिंग ये सब प्रक्रिया सब आल टोटल तोड़ना फाड़ना शुरू कर दिया, बौद्ध धर्म को मानने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया कि बौद्ध धर्म को माना जाए। उस समय हमारे आदि गुरु श्री शंकराचार्य महाराज जी बर्फ में तपस्या कर रहे थे, वो आए आज के 600 वर्ष पहले, 650 वर्ष पहले। तो केदारनाथ बाबा 2000 वर्ष से बर्फ में दबे हुए थे जी। वहां पे उन्होंने तपस्या किया और उनकी तपस्या की ताकत से बर्फ वहां की पिघली
और मंदिर सामने दिखा श्री केदारनाथ बाबा का। इसलिए कहते हैं कि केदारनाथ बाबा नागाओं का है। किसका है? नागाओं का है। तो वो जब देखे आदि गुरु महाराज देखे कि धर्म विलीन हो गया, तब वो धर्म फैलाना शुरू किए, भगवान की पूजा करो, इनकी पूजा करो, उनकी पूजा करो। तब उनको भी लोग डांटना देना शुरू कर दिए, तकलीफ, ऐसा नहीं कर सकते आप, कोई धर्म नहीं चलेगा। तब सबके चोरी से, जैसे नेता सुभाष चंद्र बोस ने आजादे हिंद फौज बनाया था, वैसे उसी प्रकार से हमारे श्री आदि गुरु माननीय पूजनीय आदि गुरु श्री शंकराचार्य महाराज जी ने नागाओं का स्थापना किया और धर्म रक्षक फौज तैयार किया। क्या? धर्म रक्षक फौज तैयार किया और उनको आदेश दिया कि जाइए अपने धर्म को बढ़ाइए और जो नहीं मानता उनको खत्म कर दीजिए। क्या कर दीजिए? खत्म कर दीजिए। तब हमको नागा बनाया गया और हम धर्म रक्षक फौज बन गए। महाराज जी, वैसे नागा ज्यादातर कुंभ के दौरान ही दिखते हैं। हाँ। लेकिन उसके अलावा वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कोई नहीं जानता। पहाड़ों में रहते हैं, बर्फ में रहते हैं, तपस्या करते हैं। गंगा के किनारे बहुत से हमारे संत समाज पड़े रहते हैं, भजन मिलीन रहते हैं, भजन करते हैं। उनका इधर उधर भागने का कोई मतलब नहीं होता। ये भी है। तो सब... नागा केवल दान पर ही अपना पूरा जीवन यापन कर देते हैं। हाँ, दान क्या, वो मांगने थोड़ी जाते हैं किसी से। अरे कहते ना, करा करा वही मन जाए चोरी। किसको भेजता है, जब वो देखता है कि ये नागा साधु दुखी था यहाँ, तब वो खुद दूसरे के मन में प्रेरणा देता है कि जाओ रे दौड़ो, वहां साधु भूखा मर रहा है। तब मनुष्य इंसान चला जाता है भगत और आगे सेवा कर देता है बाबा। लोग कहते हैं कि साधु संतों के पास ज्ञान होता है, तो हम चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से आज के समाज को कुछ ऐसा कहिए जो उनके आने वाली सदियों तक उन्हें उनके लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेगा और धर्म की रक्षा में काम आए। हम इस समाज से हाथ जोड़कर यही कहना चाहेंगे कि सदैव पर स्वार्थ करो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, जहां तक हो सके पर स्वार्थ करो। और भगवान की भजन अगर कुछ जाएगी तो सिर्फ भजन ही साथ में जाएगी, अन्यथा और कुछ जाने वाला नहीं। सब कोई मिलके रहो। कहते हैं कि सभा संत सब एक है, पांच आदमी जहां इकट्ठे हो जाए वहां परमेश्वर है। तो अगर हम एकत्र होके रहेंगे, मुट्ठी बांध के रहेंगे, तो हमारा कोई देश कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई दुश्मन कुछ नहीं कर सकता। जहां हम आपस में फूटे वहां काम खो जाएगा। तो हमारा तो यही प्रार्थना है कि मिलजुल के रहो और अपने भारत को समय सदैव बड़ा बना के रखो। हमारी तो यही इच्छा है भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। ओम नमो नारायण महाराज।